उधर विदेशी एजेंट वाले बिल के मुद्दे पर यूरोप का देश जॉर्जिया एक बार फिर सुलग उठा। दो हफ्ते पहले भी वहां इसे लेकर कोहराम मच गया था और वहां की सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। दो हफ्ते बाद एक बार फिर जॉर्जिया के लोगों का गुस्सा नए सरकारी बिल के खिलाफ फूट पड़ा। नाराज लोगों ने वहां की संसद का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का सामना वहां मौजूद पुलिस वालों से हो गया। संसद की तरफ जाने वाली सड़क पर एक तरफ प्रदर्शनकारी तो दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद नजर आए। सरकार से नाराज प्रदर्शनकारियों ने वहां के संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने चेतावनी देते हुए हवा में गोलियां चला दी। पुलिस की फायरिंग के बाद भी प्रदर्शनकारियों के हौसले नहीं डिगे, वो सड़क पर लोहे की बैरिकेडिंग के पास डटे रहे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग के बाद आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, सड़क पर सफेद धुआं फैल गया। यानी देखते ही देखते वो सड़क प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बन गई। पुलिस की सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो सरकार के विदेशी एजेंट वाले बिल के विरोध में जोरदार हंगामा करते दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसे जॉर्जिया की सड़कों पर सरकार के खिलाफ जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। जॉर्जिया की सरकार जो नया बिल लेकर आई है उसके मुताबिक वहां दूसरे देशों से पैसे लेने वाले संगठनों को विदेशी एजेंट माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के इस नए कानून का वहां के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और बिना डरे पुलिस वालों से भिड़ गए। सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी जब पीछे नहीं हटे तो पुलिस वालों ने उन पर पानी की तेज बौछार कर दी ताकि प्रदर्शनकारियों को सड़क पर पीछे धकेला जा सके। वाटर कैनन से की गई पानी की तेज बौछार की वजह से प्रदर्शनकारी थोड़ा पीछे जरूर हुए, लेकिन इसके बाद भी उनका हौसला नहीं डिगा। थोड़ा पीछे जाने के बाद उन्होंने सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, जबकि पानी की बौछार करते हुए पुलिस की टीम धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ती नजर आई। पुलिस वालों ने एक बार फिर फायरिंग करके प्रदर्शनकारियों को डराने और पीछे धकेलने की कोशिश की। करीब 3 घंटे तक जॉर्जिया के संसद भवन की तरफ जाने वाली उस सड़क पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष चलता रहा। दो हफ्ते पहले भी जॉर्जिया में विदेशी एजेंट नाम के सरकारी बिल के विरोध में बवाल हुआ था। उस वक्त भी वहां कई जगहों पर दंगों जैसे हालात हो गए थे और यहां तक कि वहां की संसद में इस नए बिल को लेकर सांसदों के बीच लात घूंसे तक चल गए थे। दो हफ्ते पहले जॉर्जिया की संसद में सत्ताधारी पार्टी के एक नेता को एक विपक्षी सांसद ने मुक्का मार दिया था, क्योंकि सरकार के विदेशी एजेंट वाले बिल की वजह से वो विपक्षी सांसद बुरी तरह भड़का हुआ था। और संसद में जैसे ही इस बिल पर सत्ताधारी पार्टी के सांसद बोलने के लिए उठे थे, तभी उस विपक्षी सांसद ने सीधे उनके गाल पर मुक्का मार दिया। अचानक हुए इस हमले से जॉर्जिया की संसद में सभी सन्न रह गए थे, क्योंकि इस तरह के हमले का अंदाजा किसी को नहीं था। इस घटना के बाद संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था और आम लोगों ने मुक्का मारने वाले विपक्षी सांसद का समर्थन किया था, क्योंकि जिस बिल के विरोध में सत्ता पक्ष के नेता को मुक्का खाना पड़ा था, लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। क्योंकि जॉर्जिया की सरकार के नए बिल के मुताबिक वहां दूसरे देशों से पैसे लेने वाले संगठनों को विदेशी एजेंट माना जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जॉर्जिया के लोगों के मुताबिक इससे जॉर्जिया के यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने का रास्ता बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस बिल का विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि ये बिल रूस के दबाव में लाया गया था, क्योंकि जॉर्जिया की सीमा रूस से लगती है और वहां की सत्ताधारी पार्टी पर रूस का प्रभाव माना जाता है।